ध्रुव चरित्र सुनाते हैं। राजा उत्तानपाद के मनु महाराज के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। लेकिन बड़े तो प्रियव्रत हैं, पर वर्णन सबसे पहले उत्तानपाद का है। बोले क्यों? बोले आयु में बड़े तो प्रियव्रत हैं, पर धर्म में बड़े उत्तानपाद हैं। और आयु में कोई बड़ा हो तो काम का नहीं है, धर्म में कोई बड़ा हो तो काम का है। और कल भी हमने आपको सावधान किया था, आयु में बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म में बड़ा होना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आयु तो कईयों की 60 साल हो तो पर राम राम निकाता जिंदगी भर, एक बार नहीं, करोड़ों कमा के धल्ले तो उनपे कहा भैया कथा होने दो, 5 रुपया दान दो। नाक से कोट ले, अरे महाराज मरद धरे हम, 1 रुपया खावे यानी ठटरी गे भरे, मुड़ पे बांध के लेके गए है का हा? बांध मुठी खो, बांध मुठी ऊपर से आए, खोल मुठी चला जाना, ना कुछ तुम ऊपर से लाए, ना कुछ यहाँ से ले जाना। तो जाये उत्तान पादस्य सुरनीति सुरचि स्तयो, सुरचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवा। उत्तान पाद की दो पत्नियां थी, कितनी? एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। सुरुचि का मतलब होता है जो अपनी रुचि अनुसार चले, वो सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है जो शास्त्र के अनुसार चले, वो सुनीति। सुनीति के एक पुत्र था जिनका नाम था ध्रुव। राजा छोटी वाली पत्नी जिसका नाम सुरुचि था उससे बड़े प्रेम करते थे, बड़ा प्रेम करते थे। बड़ी वाली सुनीति को राजा अलग भवन में रखते थे, सुरुचि के साथ हमेशा रहते थे। लेकिन कभी शिकायत नहीं की ध्रुव की मां सुनीति ने। एक बार ध्रुव जी खेलने गए, खेलते खेलते पिता के महल में पहुंच गए। पिता की गोद में, गद्दी पर पिता विराजमान थे तो गोद में जाकर बैठ गए। और ये सौतेली मां सुरुचि ने देखा तो ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके झटका लगा दिया, ए बेटा तुझे ज्यादा ही पिता की गद्दी और गोद में बैठने का शौक है, तू मेरी कोख से जन्म लेता तब तू इस पर बैठने का अधिकारी था। नन्हे से बालक ध्रुव जी रोने लगे, कुछ नहीं बोले, रोने लगे। ध्यान से सुनना, ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक थे और 5 वर्ष में ही भगवान के दर्शन, किसके दर्शन हो गए? भगवान के। भगवान के दर्शन कैसे भाई? क्या भगवान बुढ़ापे में मिलते हैं? बोलो, भगवान कब मिलते हैं? जब जागो तभी सवेरा। तो ध्रुव जी की सौतेली मां ने ध्रुव जी को बहुत डांटा, फटकार लगाई तो, और अंत में इतना बोल गई, तुझे इतना ही शौक है पिता की गद्दी पर बैठने का तो तू एक काम कर, पहले भगवान का भजन कर, भगवान जब प्रसन्न हो जाए, वरदान मांगने को कहें, तो तू भगवान से हमारी कोख से जन्म लेने का वरदान मांग लेना। यहां पर सुरुचि जी बड़ी गलती कर गई, भगवान के वरदान को अपनी कोख से छोटा मान लिया। और हुआ क्या, ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास आए। सुनीति ने अपने बालक को रोता हुआ देखा, क्या हुआ बेटा? बेचारा कुछ बोल नहीं पाए। तो और जो साथी थे वो बोल पड़े, पूरा राज बताया कि सौतेली मां ने बहुत डांट लगाई है। धन्य है सुनीति। सुनीति बोली, ध्रुव तू धन्य है, तुझे जो ऐसी सौतेली मां मिली। ध्रुव जी चौंक गए,
माँ तुम उसकी बड़बारी कर रही हो, जिसने हमें डांटा, जिसने हमें डांट लगाई, तुम उसकी महिमा गा रही हो। सुनीति कहती है, बेटा जो रास्ता आज तक मैं बता नहीं पाई वो तेरी सौतेली माँ ने एक पल में बता दिया। कौन सा रास्ता? बेटा उसने कहा कि जा तू भगवान का भजन कर। ध्रुव जी चौंक गए, माँ ये भगवान कहाँ रहते हैं? तो माँ कहती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रगट हो ही मैं जाना। माँ कहती भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। माँ पर भगवान मिलेंगे कहाँ, वो तो सब जगह हैं। ध्रुव जी कहते हैं, माँ तो भजन कैसा करना चाहिए? तो ध्रुव की माँ कहती है, बेटा हैं तो भगवान सब जगह, पर जो एकांत में जाकर के साधना करता है उस पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। बोलो सीताराम। ध्रुव जी माँ को प्रणाम करके भगवान को पाने चले। राजा को पता लगा तो राजा ने मंत्री को भेजा, जाओ कहना जाओ मत बन, आधा राजपाट ले लो। ध्रुव जी जाने लगे तो मंत्री ने खबर दी। ध्रुव जी मन ही मन सोचने लगे कि अभी तो हमने भगवान को पाया नहीं है, अभी तो बन नहीं गए और आधा राजपाट मिल रहा, अगर शायद हमने भगवान को पा लिया तो ना जाने क्या प्राप्त होगा। ध्रुव जी माने नहीं, चल पड़े। तो राजा ने फिर खबर भिजवाई, पूरा राजपाट ले लो पर लौट आओ, बन मत जाओ। मंत्री फिर आया, सरकार पूरा राजपाट ले लो पर वापस हो जाओ। ध्रुव जी ने मन में विचार किया, जरूर इस रास्ते में फायदा ज्यादा है, वरना भला कोई पूरा राजपाट कैसे देता, जरूर फायदा है। ध्रुव जी चले वन में, आहा वन में गए तो सबसे पहले नारद जी मिले वन में। नारद जी ने सोचा कि ये कच्चा चेला है, छोटा बच्चा है, डर जाएगा, भाग जाएगा। नारद जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी बोले, महाराज भगवान का भजन करने जा रहे हैं। अरे बेटा वापस लौट जाओ, वन में हिंसक जीव रहते हैं, मार डालेंगे, खा जाएंगे। ध्रुव जी बोले, मारने वाला है भगवान, बचाने राग बिहाग। श्री ध्रुव जी नारद जी से कहते हैं, मारने वाले तो राम जी हैं, बचाने वाले भी वही हैं, हमें चिंता नहीं है। अच्छा तुम्हें चिंता नहीं है? बेटा वन में हिंसक जानवर रहते हैं, खा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हिंसक जानवर हैं तो वन में बचाने वाले भी तो ठाकुर जी हैं। बोलो सीताराम। देखो एक बात याद रखना, ध्यान से सुन लो, जिस दिन ध्रुव जी जैसी निष्ठा भगवान के प्रति तुम्हारे अंदर आ जाएगी उस दिन तुम संकटों में भी मुस्कुराते नजर आओगे। हाँ, जिस दिन ध्रुव जी जैसी निष्ठा आपके चित्त में चिबक जाएगी उस दिन संकटों में भी मुस्कुराओगे और कहोगे, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, उसके कौन बिगाड़े काम, जिसके सिर पर सीताराम, जिसके सिर पर है हनुमान, जिसके सिर पर है हनुमान, जिसके सिर पे बागेश्वर धाम, जिसके सिर पे बागेश्वर धाम। प्रसन्न हो गए ध्रुव जी। नारद जी द्वादश मंत्र दे दिया, जाओ तपस्या करो आनंद के साथ।
श्री ध्रुव जी भगवान श्री हरि के पास, देखो एक बात याद रखना, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, मिलहि नहीं संता। श्री राम जय राम, बोलो ना। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते, बिना हरि कृपा के गुरु नहीं मिलते, और जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक गोविंद मिलने वाले नहीं हैं। पहले ध्रुव जी को गुरु जी मिले, कौन मिले? गुरु जी कौन है? कौन है? नारद जी। फिर कौन मिले? गोविंद। गुरु गोविंद दो खड़े, मैं काके लागूं पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। बोलो गुरुदेव भगवान की। रामायण में दो चौपाइयां हैं और दोनों विरोध वाली। एक चौपाई है बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, दूसरी चौपाई है पुण्य पुंज बिन मिले ना संता। दोनों के अर्थ अलग अलग, भाव एक ही है। एक चौपाई के कह रही है कि बिना भगवान विष्णु की कृपा के संत मिलने वाले, बोलो ना, नहीं है। दूसरी चौपाई कह रही है जब तक पुण्य जागृत नहीं होंगे तब तक संत और गुरु मिलने वाले नहीं है। अब प्रश्न ये उठ रहा कि हमें गुरुजी या संत मिल गए तो हम ये कैसे निर्णय लें, हरि कृपा से मिले हैं कि हमारे पुण्य जागृत हुए? प्रश्न बड़ा प्यारा है, कान खोलकर उत्तर सुन लो। तुम चलकर संत के पास जाओ तो समझना हरि कृपा है, संत या गुरु चलकर तुम्हारे पास आवे तो समझना, तुम चलकर संत के पास जाओ तो समझना पुण्य पुंज हुए हैं, और संत गुरु चलकर तुम्हारे पास आए तो समझना हरि कृपा है। बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता। श्री नारद जी ने ज्ञान दिया, ध्रुव जी आप जाओ कहां? यमुना तट मथुरा में जाकर के गोविंद के गुणानुवाद को गाओ। गुणाधिकान मुदम लिपसेदनु क्रोशम गुणाधिमात मैत्रीम समानाद मिच्छेन तापे रभिभूयते। मंत्र लेकर के ध्रुव जी मथुरा में यमुना के किनारे पहुंच गए। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना यास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदाहरे। श्री ध्रुव जी महाराज नंद नंदन का ध्यान करने लगे। नंद नंदन का ध्यान धरो, नंद नंदन को ध्यान धरो मन, नंद नंदन को ध्यान धरो मन। पहले महीने में ध्यान शुरू किया, साधना अद्भुत की। त्रात्रांते त्रात्रांते कपित्थे भद्रासना। ध्रुव जी ने पहले महीने में तीन दिन में एक बार फलाहार लेना शुरू किया। 3 दिन तक निराहार, 1 दिन फलाहार, और बस साधना शुरू की। कई बार हम लोग देखते हैं कि भगवान की कथा सुनकर के मन में सोच लेते हैं कि इस बार नवरात्रि आएगी तो एकदम सफर चक्कर, कुछ नहीं, चाय भर पियेंगे और नवरात्रि करेंगे। 1-2 दिन तो बढ़िया, 3रे दिन पता चलो अस्पताल में है। बोले कहा? बोले ग्लूकोज को बोतल चढ़ रहा हूँ। देखो भगवान का भजन धीरे धीरे करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? इकट्ठा नहीं, इकट्ठा करोगे होना कुछ नहीं, झेल नहीं पाओगे। तो त्रात्रांते त्रात्रांते
कपित्थ वद्रासन। तीन दिन में एक दिन श्री ध्रुव जी महाराज फलाहार करते, एक महीने तक साधना ऐसी की, दूसरा महीना लगा। द्वितीयम चा तथा मासम षष्ठे षष्ठे अर्भको देने, दूसरे महीने में छह दिन में एक बार। बोले क्या खा रहे? बोले तृण पर्णा दिभी, या तो केवल वृक्षों के पत्ते खाते हैं अथवा दूबा या घास छह दिन में एक बार, और बस निराहार। दो महीना हो गए, तीसरा महीना, दूसरा महीना ऐसे निकाला, अब तीसरा महीना लगा। तीसरे महीने में थोड़ी कठोर साधना की। नहु में अवहनी, तीसरे महीने में नौ दिन में एक बार। बोले क्या? अभक्ष, कुछ खाते नहीं, केवल जमुना जी का जलपान करते। तीसरा महीना ऐसे ही निकाल दिया, अब चौथा महीना लगा। तो द्वादश चतुर्मपि वै मासम द्वादशे द्वादशे अहनी, चौथे महीने में जल भी त्याग दिया। बारह दिन में एक बार केवल वायु का आहार करते हैं, केवल एक बार वायु, श्वास ली एक बार, छोड़ी और रोक ली, और बारह दिन तक फिर श्वास नहीं लेते, इतना कठोर तप कर लिया। चौथा महीना ब्राह्म हुआ, पांचवें महीने में तो और कठोर साधना कर ली। आहा, पांचवें महीने में तो एक अंगूठे के बल खड़े हो गए, और अंगूठे के बल खड़े हो करके श्वास को ही रोक लिया। देवता घबरा गए, देवताओं की श्वास रुकने लगी। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले ऑक्सीजन की कमी क्या हो गई सरकार? क्या वृक्षों की कमी है का? ब्रह्मा जी बोले यहाँ वृक्षों की कमी नहीं है, भगवान का एक भक्त जो है भगवान की तपस्या कर लो। देवता बोले जल्दी चलो भगवान लोन पे, कहो जल्दी जाए वो भाई साहब हम समझाएं, नहीं तो हमें लगा दो चार देवतन की तो तेरे ही हो ही जाने। साहब देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले सरकार। हाँ विष्णु भगवान बोले बोलो। अरे बोले सरकार बोलो, बाद में पहले जो बताओ आपको कौन हूँ, एक ऐसो भक्त है जो श्वास रोक के खड़ा होगा। बोले आओ। बोले क्या दिक्कत है? अरे बोले दिक्कत है तो सिलेंडर नहीं पूज रहे यार, ऑक्सीजन की कमी है, दिक्कत ही दिक्कत है। आप एक काम करो, जितनों भजन कम हो सो हम उनके खाते को ले लो, पर वे समझाया तो एक बे फूंस ले, एक बे सांस ले। भगवान विष्णु समझ गए, देवता हैरान है। भगवान श्री हरि ध्रुव जी के पास गए, डायरेक्ट गए, आवाज लगाई, उठो ध्रुव जी हम आए। लेकिन ध्रुव जी तो आंखें बंद करें, भीतर भगवान के रूप रस सुधा का आनंद ले रहे हैं, माधुरी मोहिनी मूरत का आनंद ले रहे। अब भगवान की सुने कौन? भगवान बड़े हैरान हैरान इस बात पर, लो बताओ हम आए हैं, ये हमारी तरफ देख तक नहीं रहे, बड़ी गड़बड़ बात। भगवान ने एक लीला की, भीतर के रूप को खींच लिया, और जैसे ही खींचा तो तड़फड़ाने लगे ध्रुव जी, और नेत्रों को खोला तो सामने भगवान श्री हरि प्रकट नजर आए। आहा, भगवान तो आ गए, पर माता जी ने गुरु जी ने बताया था भगवान की भक्ति करना। अब ध्रुव जी सोचने लगे भक्ति करने को तो बताया था, पर ये नहीं बताया भगवान आएंगे तो करना क्या है, पूजा कौन सी करनी है, मंत्र कौन सा जपना है। बड़े परेशान हो गए श्री ध्रुव जी महाराज। भगवान समझ गए, तो भगवान ने अपना शंख लिया, ध्रुव जी के कपोलों पर रख दिया, और जैसे ही रखा तो मुंह कम करो तिबाचालम पंगुलंगयते गिरिम इति कृपहातम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान ने शंख का गालों में स्पर्श कराया, ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांग कंठस्थ हो गया, और हाथ जोड़ करके भगवान श्री हरि की दिव्य स्तुति करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान बोले मांगो, ध्रुव जी बोले आप मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान बोले वाह, पहले तो गद्दी पे बैठवे के लाने तपस्या करवे, कुछ तो मांगो। नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने अंत में वरदान दे दिया, जाओ। देखो
जाकर के तुम राज करो 36,000 वर्ष तक, और बाद में हमारे लोक को आकर के यहाँ विराजमान होना। ध्रुव जी आए राजा बने, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम चरितमानस की चौपाई, जा पर कृपा करहि सब कोई, 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 जा पर कृपा राम के ऊपर राम जी की कृपा होती है उसके ऊपर सब कोई कृपा करता है। देखो जब समय बढ़िया होता है तो बुरी चीज भी अच्छी नजर आती है, जब समय खराब होता है तो अपने लोग भी मुंह मोड़ लेते हैं, जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी गले लगाता है, समय खराब होता है तो अपना भी मुंह मोड़ कर चला जाता है। बोलो सीताराम। इसलिए मेरे पागलो एक बात अब गांठ बांध लो तुम करोड़ों की। बोलो क्या, पूछो क्या, करोड़ों की बात ये गांठ बांध लो कि भगवान की कृपा पाने का नित्य उपाय करते रहो। लेकिन हम लोग परेशान इसमें हैं, ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य किए, पर मृत्यु के ऊपर चरण रख करके आज भी आकाश मंडल में ध्रुव तारा के रूप में दर्शन होते हैं। जब पंडित जी विवाह करवाते हैं तो शादियों में कहते हैं भाई ऊपर ध्रुव तारा का दर्शन करो, आज भी ध्रुव जी आकाश मंडल में विराजमान हैं।